आकलन, आकलन का शाब्दिक अर्थ, आकलन का शाब्दिक अर्थ, आकलन क्या होता है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, असेसमेंट वर्ड जो है, असेसमेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द, आकलन लैटिन लैटिन भाषा के शब्द, एसिडर, ए डबल एस ए डबल एस आई डी ई आर से बना है, से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है टू सिट नियर, पास में बैठना, पास में बैठना, जिसका अर्थ है पास में बैठना, इस प्रकार, जिसका अर्थ है टू सिट नियर, पास में बैठना, जिसका अर्थ है पास में बैठना, इस प्रकार, इस प्रकार आकलन, इस प्रकार आकलन बालकों का, इस प्रकार आकलन बालकों का नजदीक से जांच व, नजदीक से जांच व परीक्षण निरीक्षण है, परीक्षण निरीक्षण है, आकलन एक प्रक्रिया है, जो बालकों के, आकलन एक प्रक्रिया है जो बालकों के व्यवहार की प्रगति के बारे में बताती है, के बारे में बताती है। इसमें बालकों की क्षमताओं, इसमें बालकों की क्षमताओं, इसमें बालकों की क्षमताओं अधिगम, अधिगम समस्याओं का पता चलता है, अधिगम समस्याओं का पता चलता है। साधारण शब्दों में मैं बताऊं, अधिगम या आकलन, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों की प्रगति का पता चलता है, कि बच्चे किस लेवल तक सीख रहे हैं, या बच्चों को पढ़ने लिखने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये जांचने की जो प्रक्रिया होती है, ये जांचने का जो टेस्ट होता है, उसको हम आकलन कहते हैं। क्या मैंने बताया, वह प्रक्रिया जिससे बच्चों की पढ़ने लिखने की समस्याएं और उनकी प्रगति का रिकॉर्ड, उनकी योग्यताओं के बारे में पता चलता है। आपकी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, जब आप पढ़ाते हो उनको, पढ़ाने के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब चलती है, उस दौरान जब आप बच्चों को ये जांचते हैं कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, कितने स्लो इंटेलिजेंट है, कितने बच्चे गणित में अच्छे हैं, कितने बच्चे साइंस में अच्छे हैं, कितने बच्चे भाषा में अच्छे हो सकते हैं, या बच्चों को पढ़ाने के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, बच्चे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को लिखने में दिक्कत आ रही है, इस प्रकार की समस्याओं को कहते हैं अधिगम समस्याएं। क्या कहते हैं, अधिगम समस्याएं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों की प्रगति का पता चले, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों की प्रगति का, प्रोग्रेस भी, कहां तक बच्चे जा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने अभी तक सीखा, उनके दिमाग में क्या है, उनके पास क्या क्या योग्यताएं हैं, उसको जांचने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। आगे थोड़ा सा और लिख लीजिए इसमें, यह एक, अपने वो लिख लो, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें बालकों की, यह एक व्यवस्थित, सिस्टमेटिक,
यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें बालकों की क्षमताओं का परीक्षण जांच की जाती है। इसमें योजना बनाई जाती है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है। सभी प्रकार के परीक्षण विश्लेषण किया जाता है। सभी प्रकार के परीक्षण आकलन होते हैं। क्यों होते हैं सभी प्रकार के टेस्ट असेसमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आप कोई भी जो टेस्ट लेते हैं उसका दो उद्देश्य दो होता है, या तो आप कमी पता करना चाहते हैं, उसकी प्रोग्रेस है ना। टेस्ट क्यों लेते हैं? या तो हम ये जांचें कि क्या कमी है, या ये जांचें कि उसने क्या कुछ सीखा, उसके पास है क्या, कितनी उसके अंदर योग्यता है। आगे हेडिंग देना है आकलन की विशेषताएं। परिभाषा लिखना चाहते हो या अपने शब्दों में लिख लोगे? परिभाषा लिख लोगे, अपनी शब्दावली में भी लिख सकते हो परिभाषा। हाँ, या लिखवाऊँ? इस उन्हीं में से निकलोगे ना। दो डेफिनेशन आपने याद रखनी है, उसमें से देख लेना, जो भी नोटबुक जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो डेफिनेशन पक्का डालनी है ना। अब लिखिए आकलन की विशेषताएं। सबसे पहले जांच की एक प्रक्रिया, इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। जांच की या परीक्षण की एक प्रक्रिया है ये। अध्यापक व बालकों को पृष्ठ पोषण, दूसरी विशेषता है। फीडबैक ये याद रखने की बात है। फीडबैक कई बार पेपर में आ जाएगा, आ सकता है कि पृष्ठ पोषण क्या होता है, लास्ट यूनिट में भी है। फीडबैक इंग्लिश में लिखा होगा, पृष्ठ पोषण क्या होता है? फीडबैक क्या होती है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं पढ़ने लिखने से संबंधित की बात हम करेंगे, कक्षा कक्ष में जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, उस प्रक्रिया की जो प्रभावशीलता जानते हैं, वो किस दिशा में जा रही है, वो सही जा रही है नहीं जा रही है, उसके बारे में जब पुनर्विचार किया जाता है या उसका मूल्यांकन किया जाता है, वो फीडबैक होती है। फीडबैक का मतलब यह है कि मैंने कुछ काम किया, उस काम का जब मैं चेक करता हूँ कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, उसे कहते हैं फीडबैक। पुनः पृष्ठ पोषण कि वो सही था या गलत था। कोई भी कार्य है उसको चेक करने के बाद उसको फॉलोअप भी कहते हैं। फॉलोअप मतलब पीछा करना भी, सही था या गलत था, उसका रिस्पांस देना, अनुक्रिया देना, किसी काम के बारे में अनुक्रिया देना, रिस्पांस देना। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, आप कहते हो सर ठीक पढ़ा रहे हैं, कुछ कहेंगे सर नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो होता है पृष्ठ पोषण। तो जब आप आकलन करते हैं, आकलन के द्वारा एक टीचर को हेल्प मिलती है कि वो सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। मैं हर रोज़ पढ़ा के चला गया क्लास में, तो बच्चों ने हर रोज़ पढ़ लिया, क्योंकि जब आप टीचर क्लास में जाता है सारे बच्चे कहते हैं सर समझ में आ गया, लेकिन क्या समझ में आया ये नहीं बताएंगे। आपको लगेगा भी ठीक है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, पता कब चलेगा? जब आप आकलन करोगे, कोई परीक्षा लोगे, कोई टेस्ट लोगे, तब पता चलेगा। टीचर को ये लगेगा कि मैं तो हर रोज़ पढ़ा रहा था लेकिन बच्चों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। टीचर को फीडबैक मिली तो टीचर ने इम्प्रूवमेंट की, बच्चे के लिए फीडबैक है। टीचर को पता चलेगा कि जब मैंने टेस्ट लिया कि, और बच्चों को पता चलेगा कि हमारी भी कुछ कमियां हैं। हम हर रोज बोलते थे कि सर हमारी समझ में आ गया, टीचर ने परीक्षा ली उसमें उसके 10 में से 4 नंबर आए, 3 नंबर आए, इसमें इस बच्चे के समझ में नहीं आया। तो जब आप असेसमेंट करते हो, जब आपका आकलन होता है, तो उससे टीचर को भी फीडबैक मिलती है और बच्चों को भी फीडबैक मिलती है, ताकि वो अपने अंदर सुधार कर सके। उन दोनों को पता चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। अगली विशेषता, निरंतर जांच
या निरीक्षण, निरंतर जांच या निरीक्षण। एक बात और बता दूं, जो आकलन है वो प्रक्रिया होती है, आकलन जो है वो प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का मतलब क्या है, ये कभी समाप्त नहीं होती, है ना। हर रोज टीचर आएगा पढ़ाने के दौरान। एक होता है कि मैंने लास्ट में साल के एग्जाम लेना, वो है इवेल्युएशन, एट द एंड ऑफ द पूरे साल पढ़ाया, साल के लास्ट में जो है परीक्षा जो मैं लेता हूँ, टेस्ट जो मैं करता हूँ, वो होता है इवेल्युएशन। उसमें मैंने निर्णय देना है, जजमेंट देनी है। आ जाओ, निर्णय मेरा क्या होगा कि इतने बच्चों ने पास हो गए क्लास में, इतने बच्चों ने 70 नंबर लिए, इतने से बात खत्म। लेकिन ये जो आकलन है, ये इस प्रकार की जांच है जो चलती रहती है, जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। जब आपका मूल्यांकन होता है, फाइनल पेपर होता है, उसमें कोई सुधार का अवसर तो नहीं मिलता ना। अब जैसे आपने बीएड का कल पेपर दे के आ गया, आप दिया है, सबमिट हो गया, उसमें क्या है क्या नहीं है, तो सिर्फ एक निर्णय देगा आपको, यूनिवर्सिटी बताएगा पास हुए नहीं हुए, इतने नंबर आए, बात खत्म होगी। लेकिन यहाँ चेक भी हो गए, साथ के साथ में आपको सुधार का मौका भी मिलेगा। अब जैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ यहीं पे, और जैसे ही मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने उसका सही उत्तर नहीं दिया, मैं आपको बताऊंगा कि सही उत्तर ये होना चाहिए, तो आपने उसको दिमाग में बिठा लिया, आगे के लिए आप अच्छा करोगे काम, है ना। तो ये क्या है, निरंतर जांच व परीक्षण है, आकलन में कॉन्टिन्यूस, जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है ना हर रोज। अब इस जांच में केवल पढ़ने लिखने की जांच नहीं है, और भी जांच हो सकती है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, आप क्लास में कैसे बैठते हैं, आप दूसरे बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, किसी विषय में आपकी कितनी निपुणता है ना, वो सारी की सारी योग्यताएं। तो ये क्या है, आकलन निरंतर जांच व निरीक्षण, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कक्षा कक्षा में निरंतर चलती रहती है। जैसे ही कक्षा में पढ़ाने आया टीचर तो वो जांचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक योग्यताओं और आत्मविश्वास में वृद्धि, और आत्मविश्वास में वृद्धि। अब आपको आपकी बौद्धिक क्षमता कब विकसित होती है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आता है, सिंपल सा प्रश्न है। जब ज्ञान को प्राप्त करते, जब आपको ये पता चलता है कि ये मेरी कमियां हैं और आप उन कमियों को दूर करते हैं, तभी पता चलता है ना आपको अंदर। अब जैसे आपका पेपर हुआ, आपको पेपर कर दिया लेकिन आपको पता चला कि कुछ कमी रह गई है ना, तो आपको पता चल गया, अपने आपका इवैल्यूएशन किया। तो ज्ञानात्मक योग्यता कब विकसित होती है, जब आप चेक करते रहते हो बीच बीच में, मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, मैंने जो परीक्षा दी वो ठीक है या गलत है। यदि मुझे लगता है कि गलत है, मैं उसको दोबारा फिर चेक करूंगा, दोबारा फिर पढ़ूंगा। तो जब आप आकलन करते हो, आकलन से आपकी बौद्धिक क्षमताएं, सीखने की योग्यता का विकास होता है, आपको अपनी कमियों का पता चलता है, अपनी क्षमताओं का पता चलता है, मेरे क्या अच्छे पॉइंट है क्या बुरे पॉइंट है वो कब पता चलता है, जब मैं आकलन करता हूँ। तो जब मुझे अपनी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कमियों का पता चलता है, अच्छे बुरे के बारे में पता चलता है, तो उसमें मैं सुधार कर लेता हूँ। तो जब मेरा सुधार होता है, मेरी क्षमताओं का विकास होता है, तो क्या हो जाता है, मेरी ज्ञानात्मक योग्यता, सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाएगा और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापक के अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन, कार्यक्रम में सुधार। अध्यापक के अनुदेशन कार्यक्रम में सुधार। अनुदेशन का होता है कि पढ़ाने का तरीका, मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, हो सकता है आप मेरी भाषा न समझ पाए, हो सकता है कि आप मेरे हाव भावों को न समझ पाए, मैं ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, कम आवाज में बोल सकता हूँ। तो जब टीचर असेसमेंट करता है, इवेल्युएशन करता है, तो टीचर जो है अपने इंस्ट्रक्शन में, जो उसने अनुदेशन दे रहा है, जो वो चीज़ें बता रहा है, जो वो नॉलेज कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें चेंज कर सकता है। टीचर को लगेगा, पता कब चलेगा, जैसे मैंने आपसे पूछता हूँ समझ में आ गया, सभी बच्चे कहेंगे समझ में आ गया, लेकिन पता कब चलेगा, मैंने अभी आपसे कोई कक्षा में तुरंत प्रश्न पूछ लिया, अभी मैंने क्या बताया था, तो किसी ने बताया ही नहीं,
तो मुझे क्या लगेगा कि मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, देर इज समथिंग मिस्टेक, वो मेरी तरफ से मिस्टेक हो सकती है, आपकी तरफ से भी। तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो अनुदेशन है, पढ़ाने का जो तरीका है, इंस्ट्रक्शन देने के जो तरीके हैं, उसमें चेंज करूँगा। तो आकलन से क्या, एक टीचर जो है, जो उसका पढ़ाने का मेथडोलॉजी है, पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, आकलन निर्माणात्मक होता है, रचनात्मक होता है, ये बड़ी बात है। आकलन निर्माणात्मक, निर्माणात्मक होता है। निर्माणात्मक का मतलब है फॉर्मेटिव, जो असेसमेंट है, फॉर्मेटिव, सुना है कभी फॉर्मेटिव? निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निर्माणात्मक जिसमें हाँ जी कक्षा के दौरान, कक्षा के दौरान चल, इसमें आपका ना, इसे कहते हैं FA। कई बार आप देखते हो FA1 FA2 बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 फॉर्मेटिव, उसमें क्या करते हैं आप 1 मंथ बाद या यूनिट बाद बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं। तो जो आकलन होता है वो आपका फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव का मतलब आकलन जो असेसमेंट है कभी भी फाइनल नहीं होती, असेसमेंट कभी भी फाइनल डिसीजन नहीं होता। आकलन क्या है, थोड़े 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 टाइम पर आपको डायरेक्शन देते रहता है। फॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि आकलन का उद्देश्य क्या है कि जब आपका फाइनल मूल्यांकन हो वो अच्छा हो। फाइनल मूल्यांकन मतलब जब आप फाइनल पेपर दोगे वो अच्छा हो। तो ये आकलन क्या है, निर्माणात्मक होता है, फॉर्मेटिव होता है। इसका उद्देश्य क्या है आकलन का, कि आपको फाइनल प्रक्रिया के लिए तैयार करना। मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको कि जैसे गृहिणी है घर में, उसमें रसोई में व्यंजन बना रही है। अब व्यंजन जो है वो बना रही है, उसका क्या मोटिव है, ताकि मैं जो कल किसी मेहमान को देना है या बाहर जो अन्य व्यक्ति है उनको मैंने खाना परोसना है, उन तक खाना जाने से पहले अच्छा खाना होना चाहिए, ये मेरा मोटिव है। उसी प्रकार एक टीचर का क्या मोटिव होता है कि मैंने जो बच्चों को फाइनल पेपर लेने हैं वहाँ कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे मैक्सिमम अच्छे नंबर लेके पास हो। तो उसके लिए टीचर क्या करेगा, ये तो है नहीं कि पढ़ाता रहा पढ़ाता रहा पढ़ाता रहा साल में और लास्ट में लेगा, क्योंकि टीचर को लगेगा मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा पता ही नहीं चलेगा टीचर को। गृहिणी ने सारा मसाला मसूला सारी सब्जी डाल, वो डाल दिया उसमें जो भी आइटमें डालनी थी, लेकिन वो डाल दी, वो सही बनी नहीं बनी वो कौन बताएगा, बाहर वाला बंदा, तो उस पर तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बंदे बाहर बताएंगे नहीं भाई इसमें वो नहीं हुआ, तो फिर जब बाहर चेक करेंगे फिर कहेंगे यार इसमें तो ये कमी है, तो फिर तो कोई सुधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली परोसा गया। इसी प्रकार टीचर के साथ है, जब आप फाइनल इवेल्युएशन कर रहे हैं, अंतिम परीक्षा लेते हैं, उसको सुमेटिव कहते हैं, जब लास्ट में आप लेते हो, तो उसमें तो कोई सुधार का मौका नहीं है। तो आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो फॉर्मेटिव होती है, जिसमें आपको सुधार का मौका दिया जाता है, आप जो है बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए उनको सुधार दे सकते हैं, है ना। तो उस प्रकार का आकलन क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है, ड्यूरिंग दी प्रोसेस होता है, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान की जाँच है, अंत की जाँच नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान की जाँच है आकलन, ये बड़ी बात है, ड्यूरिंग दी प्रोसेस है। जैसे गृहिणी सामान बना रही है ना, तो सामान बनाने के बीच की काम है, तो गृहिणी क्या करती है, बीच में से थोड़ा सा उठाया या किसी को कटोरी में डाल दिया, भी देखिए इसमें सब्जी में नमक ठीक है, तो वो कहती है, उसने चेक कर लिया, उसको लगा कि कम है तो बोल देगा नहीं इसमें नमक कम है मिर्च कम है, वो मिर्च नमक डाल देगी। इसी प्रकार टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर ने पढ़ाते समय बच्चों को चेक किया, लगा भी ठीक चल रहे हैं, लगा भी रामू शामू तो थोड़ा डाउन हो रहा है, तो उसने रामू शामू को खड़ा किया, बेटा कहाँ कमी है, उसने बताया सर ये समझ में नहीं आया मुझे, तो उसको बता दिया, तो रामू शामू ने फिर दोबारा टेस्ट लिया तो अच्छे नंबर ले लिए। तो मेरा मोटिव क्या था, उसको फाइनल पेपर के लिए अच्छे प्रिपेयर करना, फाइनल असेसमेंट के लिए तैयार करना। तो आकलन क्या होता है, वो निर्माणात्मक होता है। नेक्स्ट विशेषता है, यह निदानात्मक भी होता है, निदानात्मक। आकलन छोटे छोटे शब्द हैं घुमा फिरा के, आकलन निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक, निदानात्मक होता है, डायग्नोस कौन करता है, नहीं डायग्नोस कौन करता है, किस क्या क्या होता है डायग्नोसिक। आपके पास मैंने पहले एक 4 नंबर में क्वेश्चन लिखा, उसको डिस्कस कर देता हूं। एक होता है प्रोग्नोस्टिक, एक होता है डायग्नोस्टिक, इवेल्युएशन है। प्रोग्नोस्टिक कहते हैं भविष्यवाणी मूल्यांकन, क्या कहते हैं, भविष्यवाणी, प्रोग्नोस्टिक, और डायग्नोस्टिक होता है निदानात्मक मूल्यांकन। दोनों में अंतर क्या है, प्रोग्नोस्टिक का मतलब है पूर्व में पहले से, पूर्व में पहले से। ये दोनों प्रकार के जो वर्ड हैं
वो डॉक्टरों के वर्ड हैं, चिकित्सा क्षेत्र से आए हैं, या मनोविज्ञान में ज़्यादा प्रयोग होते हैं, क्योंकि वहाँ टेस्ट होते हैं ना, आपका मेंटल का टेस्ट हो गया, आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, आपका क्रिएटिविटी टेस्ट हो गया, तो वहाँ पे ये दो वर्ड यूज होते हैं, कौन से, डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि जैसे मैंने किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को जॉब देनी है ना, मैंने किसी को जॉब देनी है, मैं मालिक हूँ किसी कंपनी का, किसी भी फैक्ट्री का, किसी स्कूल का, तो मेरे पास कोई जॉब के लिए आया, तो उसका जो मैं, जो बंदा मेरे पास आया उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट लेता हूँ, मैंने उस बंदे की स्किल चेक करनी है कि क्या ये मेरी जॉब के लिए एलिजिबल है, तो वो जो मूल्यांकन है उसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? प्रोग्नोस्टिक। वर्तमान किसी की योग्यता या क्षमता को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्नोस्टिक, कि आप उस काम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या आपके दिमाग में वो क्षमताएं हैं जो उस योग्य जॉब के लिए हैं, मतलब वह मूल्यांकन जो किसी विशेष योग्यता को जांचने के लिए किया जाता है, जो योग्यता व्यक्ति के में पहले से विकसित है, या व्यक्ति के पास कौन कौन से स्किल्स हैं, कौन कौन से कौशल हैं, उनको चेक करने के लिए जो मूल्यांकन की जरूरत, कहते हैं प्रोग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि किसी की स्किल को, कौशलों को चेक करके उसके बारे में भविष्यवाणी देना कि हाँ ये व्यक्ति इस काम के लिए एलिजिबल है। समझ में आ रहा है? जैसे अब होता क्या है कि जैसे कई बार अच्छे अच्छे जो स्कूल हैं वहाँ हम अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने की बात करते हैं, तो हम बच्चे को जैसे एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं स्कूल वाले, इसका हमने टेस्ट लेना पड़ेगा, कहते हैं ना कि ये बच्चा यदि टेस्ट में पास हो गया, एक टेस्ट इसका और एक माता पिता का टेस्ट, हम दोनों का टेस्ट लेंगे, यदि वो पास हो जाते हैं तो एडमिशन हो जाएगा, चाहे आप डोनेशन कितना दो हम नहीं करेंगे। तो वो जो टेस्ट है उसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? प्रोग्नोस्टिक। वो चेक करते हैं कि क्या ये हमारे स्कूल के जो स्किल्स हैं, हमारे जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग इसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है, यदि उसके अंदर वो एबिलिटी है तो उसको एडमिशन दे देंगे, तो अदरवाइज नहीं देंगे। समझ रहे ना? ऐसा मूल्यांकन जो किसी व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता जो उसमें पहले से विद्यमान है या कौशल है, उसको चेक करने के लिए उसे क्या कहते हैं? प्रोग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? प्रोग्नोस्टिक। दूसरा है डायग्नोस्टिक। नाम से स्पष्ट है, जब ऐसा मूल्यांकन प्रक्रिया, ऐसी आंकलन प्रक्रिया जो बालकों की अधिगम कमियों को, समस्याओं को जांचने के लिए किया जाता है। मेरा मोटिव किसी की क्षमता नहीं, कमियां, दो वर्ड है, एक होती है क्षमता और एक होती है कमी। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा मोटिव ये नहीं कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरा मोटिव क्या, कितने वीक बच्चे हैं। दो शब्द मैंने यूज किए ना, क्या क्या यूज किए, एक क्षमता और एक कमी, प्रॉब्लम्स क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज क्या। कई बार आप देखते होंगे कि कक्षा में जैसे आपने प्रश्न पूछा तो बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं, अगले बेंच वाले तो स्पेशली करते हैं, है ना, तो टीचर उन्हीं से प्रश्न पूछता रहता है, उन्हीं से इंटरेक्शन करता रहता है, पिछले बच्चे बेचारे एक बार हाथ खड़ेंगे वो बोलेंगे नहीं क्लास में, तो जो पीछे बच्चे बैठे हैं इट मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम। तो टीचर का इनके ऊपर ध्यान न होकर उन बच्चों के ऊपर ध्यान होगा, उनकी कमियां टीचर आइडेंटिफाई करेगा, तो उन बच्चों को जांचने के जो टेस्ट होगा उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक। टीचर का मतलब क्या है कि पढ़ाने के दौरान बच्चों की कमियां क्या क्या है, ये मोटिव है, बच्चों की कमियों को जांचने के लिए जो परीक्षा ली जाती है, वो कमी है उसकी शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चों की कमियों को जांचने के लिए जो परीक्षण लिया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है, उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाम सही है, निदान। टीचर का मतलब क्या है कि टीचर ये टेस्ट का मतलब क्या है कि पहले कमियाँ लेके आएंगे, टीचर का मोटिव यही है, अभी कमियाँ पकड़ो, सुधार करना है किसी की क्षमता जांचना ये नहीं है, कमी है। तो आंकलन क्या होता है, कैसा होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है। तो जब टीचर इवैल्यूएशन करता है, क्लास में पढ़ाता है, बच्चों को जांचता है, तो उसका मोटिव क्या होता है कि क्या क्या कमी है मेरे पास है, इसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, बालक और शिक्षक के लिए उपयोगी हो गया, क्या हो गया ना? नेक्स्ट देखते हैं इसमें। निरीक्षण पर आधारित अगली विशेषता आएगी, निरीक्षण पर आधारित, और इससे अगला भी लिख लो, अनुभव आधारित।
निरीक्षण आधारित और अनुभव आधारित। अब जब आप किसी का फाइनल पेपर लेते हो, एक बच्चा फाइनल पेपर देता है, तो फाइनल पेपर में बच्चे को आता कुछ नहीं है, लेकिन उसने नकल मार के किसी चीटिंग करके पेपर अच्छा कर लिया। तो मेरा मोटिव तो क्या था, बच्चे की क्षमता ही जांचना, लेकिन क्षमता तो पता ही नहीं चली क्योंकि बच्चे ने तो चीटिंग कर ली। तो इस प्रकार के मूल्यांकन में क्या होता है, निरीक्षण होता है, प्रॉपर चेक करता है टीचर जो उसके पास है, अच्छा है बुरा है। तो आंकलन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। और निरीक्षण भी कैसा, प्रत्यक्ष निरीक्षण। दो प्रकार का निरीक्षण होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष निरीक्षण हो रहा है। जैसे मैं क्लास से बाहर चला जाऊं फिर आपको ऑब्जर्व करता हूं, वो अप्रत्यक्ष निरीक्षण है। तो असेसमेंट में, आकलन में क्या होता है, प्रत्यक्ष निरीक्षण होता है। उसके बाद अनुभव आधारित, उस फाइनल पेपरों में आप शायद एक्सपीरियंस नहीं काउंट करते, यहां पर आप बच्चे की हर प्रकार की गतिविधि, हर प्रकार की गतिविधि, एक दूसरे बच्चे से कैसे बात कर रहा है, बोलने का तरीका क्या है, कॉपी में क्या नोटबुक लिख रहा है, मेरे को कैसे सुन रहा है, वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, इट मीन्स ओवरऑल बिहेवियर जो है, आप एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे जो है आकलन करते हैं। कितने पॉइंट हो गए, आगे आएगा प्रगति का आधार। प्रगति का आधार, बेस ऑफ प्रोग्रेस। और एक और निकला है, मूल्यांकन की, मूल्यांकन की आधारशिला कह सकते हो। जब आप किसी फाइनल जजमेंट पे पहुंचते हैं, वो तो है मूल्यांकन, क्या है, मूल्यांकन। लेकिन फाइनल जजमेंट्स पर जाने से पहले, जैसे मैंने पहले बताया, फाइनल जजमेंट पर जाने से पहले छोटी छोटी जो जांच करते हैं वो है आपका आकलन। तो यदि आपने किसी को प्रोग्रेस कराना है, यदि किसी को प्रोग्रेस करना है, किसी की कमियां बता के उसकी अच्छाइयों को बढ़ाना है, कमियों को दूर करना है, तो आपको आकलन करना पड़ेगा। मूल्यांकन नहीं करना, आकलन करना पड़ेगा। मूल्यांकन कब होता है, जब आपके पास आपको लगता है कि पूरे के पूरे व्यवहार में सुधार हो गया, वो सुधार कितना हुआ है ये जांचने के लिए तो आप करोगे मूल्यांकन, कितना हुआ है ना। लेकिन क्या क्या हो रहा है, जो चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जांचने के लिए आपको आकलन करना पड़ेगा। तो ये आकलन की विशेषताएं होगी। समझ में आया थोड़ा बहुत, आकलन और मूल्यांकन का क्या मतलब है। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन अंतिम निर्णय होता है, क्या होता है, अंतिम निर्णय, अंतिम परीक्षा, लास्ट परीक्षा, वर्ष की अंतिम परीक्षा, उसे क्या कहते हैं, मूल्यांकन। लेकिन आकलन क्या है, जब आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के व्यवहार को जांचने के लिए, उनकी क्षमताओं को चेक करने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए जिस जो प्रक्रिया अडॉप्ट करते हैं, जो परीक्षा लेते हैं, जो टेस्ट आप लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। तो सभी प्रकार की परीक्षाएं जो हैं, टेस्ट जो है, वो आकलन होते हैं, क्या होते हैं, आकलन होते हैं। क्योंकि आकलन में दो ही चीजें आती है परीक्षा में, या तो आप प्रगति का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो उसकी क्या पास क्या है, या उसकी कमियां। टेस्ट तो तभी लेते हो ना, या तो हमें पता चले कि इसके अंदर क्या योग्यता है ये जांचेंगे, या इसके अंदर क्या कमी है इसलिए टेस्ट लोगे। तो समझ में आया थोड़ा बहुत। मापन केवल न्यूमेरिकल है, जिसमें आप केवल आंकड़ों के बेस पे पहली नंबर, 80 नंबर, पहली प्रथम, ये चीजें, या उसको आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल। जबकि असेसमेंट क्या है, जो प्रक्रिया है, आप प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो चेक करते हैं बच्चों के लेवल को, उनकी कमियों को, उनकी निपुणता को, वो क्या है, आकलन है। लेकिन जब आप आकलन से आगे बढ़ के फाइनल जो जजमेंट देते हैं, जैसे एक टीचर प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया कि आप जो है अपनी क्लास का जो है रिपोर्ट कार्ड दो मुझे, या अपना रिजल्ट तैयार करके दो, तो टीचर ने रिजल्ट कैसे तैयार किया, टीचर ने टेस्ट लिया बच्चों का, पहली यूनिट में, पहले फर्स्ट टाइम में इतने आए थे सर, इसके दूसरे टाइम में इतने आए, तीसरे, जैसे इंटरनल असेसमेंट होती है ना आपकी, तो इंटरनल असेसमेंट कैसे लग के जाती है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से लगा दो। अब चलो वो तो चल रहा है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाओगे और आपसे प्रिंसिपल पूछे कि आप इंटरनल असेसमेंट कैसे लगाओगे, तो आप क्या करते हो, उनकी हर रोज़ के टेस्ट देखते हो, क्लास में उसने कितना रिस्पॉन्स दिया वो देखते हो, हर रोज़ उसने कौन कौन सी गतिविधियाँ देखते हो, लैब में वो कितनी बार गया वो चीज़ें देखते हो, है ना। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस उसने क्या क्या काम किया, पूरा रिकॉर्ड आप प्रिंसिपल या हेड को देते हैं कि सर इसके नंबर जो इतने आने चाहिए क्योंकि इसने ये काम किया है वर्ष के दौरान। तो
तो जो तो वो रिकॉर्ड है टीचर के पास वो तो है मूल्यांकन, लेकिन वो जो पार्ट में सर ने दिया कि इस गतिविधि के इतने नंबर है, इस गतिविधि के इतने नंबर है, इस गतिविधि के इतने नंबर है, वो क्या है? असेसमेंट है। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा सा है ना। फाइनल जजमेंट आपका मूल्यांकन होता है। ड्यूरिंग दी प्रक्रिया जब आप किसी की जांच करते हैं वो क्या होता है? आकलन होता है। ठीक है ना, तो दोनों में थोड़ा सही आ गया। अब हेडिंग देना है आपने, एक तरफ लिखना है आकलन, हाँ जी, इंटरव्यू जो है, वैसे तो मूल्यांकन में इसमें ना मूल्यांकन की तकनीकें हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं कि जो जैसे मूल्यांकन कैसे किया जाता है या असेसमेंट कैसे की जाती है उसके कुछ टूल्स हैं, या भी मात्रात्मक और गुणात्मक आपका मूल्यांकन, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें बताऊंगा कि कुछ टूल्स हैं। अब देखिए, आपने किसी बच्चे के गुण को चेक करना है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है ना। तो जैसे आप बैठे हैं तो मैं आपके किसी भाव है जो आपके अंदर, या आपकी बौद्धिक क्षमताएं मैंने चेक करनी है, या आपके अंदर कौन से इंटेलिजेंट है, आपके नहीं इंटेलिजेंट है, तो वो कैसे चेक करूंगा? मैं एक कोई स्केल लेके आऊंगा, स्केल का मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन लिख के लेके आऊंगा आपके व्यवहार से, आपकी बौद्धिक क्षमता चेक करनी है मैंने, आपकी इमोशनल चेक करनी है, क्या चीज़ चेक करना है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लेके आऊंगा, उन प्रश्नों को आपको दे दूंगा। आप सुबह किस टाइम उठते हो, आप सब कितने देर पढ़ते हो, आपका घर का वातावरण कैसा है, और उसके सामने ऑप्शन लिख दूंगा, बहुत अच्छा है, नहीं है, जल्दी उठती हूँ, नहीं, तो उन पर आप टिक करोगे। वो टिक करने के बाद मैं अपने पास ले लूँगा, तो उसके बेस पे मैं इंटरप्रेट करूँगा कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं या नहीं है, आपका जो मैं क्वालिटी चेक करना चाहता हूँ आपके अंदर है या नहीं है। एक तो ये टेस्ट है, ये इसे कहते हैं गुणात्मक, क्वालिटेटिव। और एक क्या है कि मैंने कुछ प्रश्न लिखे, उस प्रश्न में आपको नंबर दिए, नंबर के बेस पर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल है, जिसके बेस पर मुझे लगा कि आपने 80 नंबर ले लिए, क्राइटेरिया बना लिया कि यदि आपके 80 नंबर आ गए तो आप इंटेलिजेंट हो, दो प्रकार से, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आपने हेडिंग देना है, एक साइड में लिखना है आकलन और एक साइड में लिखना है मूल्यांकन, आकलन और ये है मूल्यांकन। दोनों में क्या अंतर है ये लिखना है हमने, यहां लिखना आपने विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु हेडिंग आ जाएगा। इसकी विषय वस्तु है निर्माणात्मक, क्या है? अभी पहले बताया था ना, निर्माणात्मक, और यह है योगात्मक। योगात्मक का क्या मतलब है? सुमेटिव जिसे कहते हैं, पढ़ा है कभी? चार नंबर में आएगा ये, सुमेटिव और फॉर्मेटिव। हाँ जी, नहीं नहीं मेरी वीडियो तो होगी, आपकी वीडियो बताओ ना। अभी जैसे उदाहरण दिया था आपको, अल्टीमेटली प्रिंसिपल सर के पास जब आप पूरा रिकॉर्ड लेके जाते हैं वो तो योगात्मक। ऐसा मूल्यांकन जो आपके पूरे वर्ष भर की क्रियाओं को जोड़कर किया जाता है, वर्ष के अंत में किया जाता है, जिसमें आपके शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी प्रकार की क्रियाओं को जाँच वर्ष के अंत में किया जाता है, और इसमें एक निर्णय लिया जाता है कि कितना आप एलिजिबल हो, आपके कितनी परसेंटेज है, फर्स्ट डिवीजन कितनी है, वो चीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे कहते हैं सुमेटिव। जोड़ना, पार्ट में जो जो काम किया आपने पूरे साल उन सभी को जोड़ के एट द एंड ऑफ ईयर आपका रिजल्ट दिया था। तो आकलन क्या है? निर्माणात्मक है, और ये क्या है? योगात्मक है, वो मैंने पहले बता दिया। दूसरा पॉइंट, प्रक्रिया अनुमुख, ये है प्रक्रिया उन्मुख, उत्पाद उन्मुख। अब ये क्या है ये समझने की जरूरत है, प्रोसेस ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है कि जो आकलन है वो प्रक्रिया में रहता है, मैंने पहले बताया आकलन जो है वो प्रक्रिया में है, उसका मोटिव कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये तो चलती रहेगी प्रक्रिया, क्या है? आकलन चलता रहता है, प्रक्रिया के दौरान होता है, और प्रक्रिया के दौरान होता है और चलता रहता है, कौन? आकलन। लेकिन जो मूल्यांकन है वो उत्पाद, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल डिसीजन, बच्चों का रिजल्ट आता है ना, हमारा क्या मोटिव होता है उसको, पास हो गया, फेल हो गया, फर्स्ट डिवीजन ली, सेकेंड डिवीजन ली, थर्ड डिवीजन ली, ए ग्रेड लिया, बी ग्रेड लिया, सी ग्रेड लिया, बस मैंने वो हाथ कर दिया,
मतलब यहाँ पर फाइनल डिसीजन आता है, यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं, ये प्रक्रिया का डिसीजन है ना, ये प्रोसेस ओरिएंटेड और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, ये नैदानिक है यानी डायग्नोस्टिक है, नैदानिक डायग्नोस्टिक वर्ड आपने आप लिख देना साथ में, और ये निर्णायक है, निर्णायक जजमेंट, जजमेंट ये तो मैंने पहले बता चुका हूं। इसका मोटिव कमियों को निकालना है, योग्यताओं को पहचानना है, और इसका मोटिव निर्णय देना है, समझ रहे ना। इसमें यस और नो है, उसमें यस और नो नहीं है, उसमें कमी निकाल के उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है, अभी क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर, यहां आप कमियों को दूर नहीं करते, यहां तो जो कुछ है वो ऑलरेडी आप बताओगे अच्छा है बुरा है, बस यस और नो, दैट इज दी जजमेंट बेस्ड एंड दैट इज दी डायग्नोस्टिक बेस्ड। वहां पहचान भी करते हो कमियों को, उसकी प्रक्रिया भी अडॉप्ट करते हो, यहां कोई प्रक्रिया का अवसर आपके पास नहीं है। नेक्स्ट, निरीक्षण पर आधारित है, ये किस पर आधारित है ये पहले बता चुका हूं मैं, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी है आपकी उस पर डिपेंड करेगा, और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपके डिपेंड करेगा पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित मानक, पूर्व निर्धारित मानक ये क्या चीज है, उसकी प्रभावशीलता एक अध्यापक के निरीक्षण समझने की कौशलों पर डिपेंड करेगा कि एक टीचर की योग्यता कितनी है बच्चों को जांचने की। इसकी योग्यता डिपेंड करेगी कि मैंने जो प्रश्न दिए हैं पेपर में, फाइनल पेपर में, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया कि मैंने 10 नंबर के प्रश्न दिए, 5 नंबर के प्रश्न दिए, 2 नंबर के प्रश्न दिए, ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया पहले कि 100 नंबर का पेपर है उसमें इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उस 100 में से जो बच्चा इतना नंबर लेगा वो प्रक्रिया है पूर्व निर्धारित। मैंने पहले से प्लान करके, पहले से कुछ उद्देश्य मैंने डिसाइड किए हैं कि मैंने बच्चों का ये चीज़ें चेक करने के बाद पेपर लेना है, मैंने पहले से डिसाइड करके बच्चों का टेस्ट लिया, मतलब पहले से प्लानिंग है मेरे ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे चेक किया जाता है कि क्या उन उद्देश्यों के अनुरूप उसने टेस्ट किया या नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, प्री डिसाइड नहीं होता, मैं क्लास में पढ़ाना है, मुझे थोड़ी पता लगेगा कि कुछ बच्चे शरारती करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कई बार टीचर क्लास में आता बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास हो जाती है, कई बार टीचर तैयारी करके क्लास में पढ़ते नहीं है, तो वहाँ प्री प्लानिंग नहीं है, यहाँ क्या है प्री प्लानिंग है। फाइनल जब पेपर लेते हो पहले से प्लान करके लेते हो आप, लेकिन कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन सडन कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आप जिसको आप प्लान नहीं करते, ये चीज है। नेक्स्ट, ये सीमित है और ये विस्तृत है, विस्तृत बॉर्डर, इसका क्षेत्र जो है वास्ट है, क्योंकि मैंने अभी एक सर्कल बनाया था, सबसे पहले मापन है, फिर असेसमेंट है, और फिर मूल्यांकन है, जो मूल्यांकन है उसमें मापन और आकलन दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। इसमें बालक और शिक्षक दोनों की भूमिका बराबर होती है, बालक प्लस शिक्षक दोनों बराबर के पार्टनर हैं, और इसमें शिक्षक मुख्य है, कौन है शिक्षक, सही बात है ना। अब वही बात फिर से, जब गृहिणी खाना बना रही है रसोई में, तो यदि समान है और गृहिणी, गृहिणी को बनाना है और समान है तभी तो काम चलेगा, तभी काम चलेगा ना। यही वही बात है कि जब आप असेसमेंट करते हो तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है, टीचर कुछ काम करेंगे, टीचर बच्चे कुछ काम करेंगे तो टीचर को कमियां पता चलेंगे, और टीचर पढ़ाएगा तभी कमियां आएंगी। तो ये जो असेसमेंट है ये दोनों पे इक्वल डिपेंड करती है, दोनों इसमें पार्टनर है, विद्यार्थी भी और टीचर भी। लेकिन जो असेसमेंट करते हैं वहाँ बच्चा थोड़ी देख रहे हैं, आपने चेक करना है बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, बच्चे ने तो वन टाइम पे कर दिया, बच्चे को कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई बहुत आपके पास पेपर आया, पेपर पे आपने फाइनल जजमेंट दे दी। कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। नेक्स्ट लिखना है,
इसका आकलन निरंतर है, अपने आप लिख लो, उसका आकलन निरंतर है और इसका जो आकलन है ये पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है। इसका आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर है मूल्यांकन का, और उसका निरंतर होता रहता है। ये तो जब करिकुलम सिलेबस खत्म हो गया लास्ट के वर्ष के अंत में। इसका इसकी जो है वो क्या लिखा था आपने, इसका पॉइंट क्या लिखा था अभी? हाँ, इसकी जो समाप्ति है ना वो अंत पाठ्यक्रम के अंत में इसकी समाप्ति होती है। हाँ, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसका अंत जो है पाठ्यक्रम के समाप्ति के बाद हो जाता है। इसकी जो है मूल्यांकन जो है समाप्त हो जाता है पाठ्यक्रम के अंत पर। यहां तक समझ में आया? अब हमारा मेन हेडिंग आता है आकलन के उद्देश्य या महत्व, दोनों चीजें डाल दो, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। आकलन, हाँ, आकलन के उद्देश्य या महत्व, कि क्या फायदा है आकलन करने से। ये मैं बता चुका हूं, बताओ फटाफट जल्दी पॉइंट। पहला पॉइंट बताइए, आकलन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, आकलन के उद्देश्य, आकलन के उद्देश्य पहला बताइए। जब इतनी, हाँ जी, अपना मन से बताएं। हाँ, अपने मन से बताओ, बताओ बताओ, व्यवहार में परिवर्तन का पता चलता है। बहुत बढ़िया। और बालकों के शिक्षण में परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, और क्या होता है आकलन का, क्या फायदा है? और सोचिए, हाँ जी, कमियों को पता चलता है बालकों की, और क्षमताओं का विकास किया जा सकता है, और बालकों की प्रगति का पता चलता है, प्रोग्रेस पता चलती है। कि बालकों के क्षमता के अनुसार उनके जो स्पेशल फील्ड है उसमें उनको प्रोग्रेस कराना, बालकों की योग्यताओं को पहचानने के लिए मार्गदर्शन देना, ये चीज कह सकते हो। चलिए, पहला को लिखिए आप पॉइंट, बालकों की योग्यताओं व निपुणताओं का पता चलता है। दूसरा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बालकों का वर्गीकरण कर सकते हो आप पॉइंट, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। जब आप असेसमेंट करते हो तो आपको एक क्राइटेरिया अलग अलग बना देते हो आप, इतने बच्चे बिलो एवरेज हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्लो इंटेलिजेंट हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मतलब उनकी विशेषताएं आप चेक करते हो क्लास में, तो विशेषताएं चेक करके उनको अलग अलग किया जा सकता है, उनको बाइफर्केट कर सकते हो आप। हाँ। नेक्स्ट, पृष्ठ पोषण में सहायक फीडबैक, पृष्ठ पोषण में सहायता, फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? मैंने पहले बताया था कि जो भी हम शिक्षण कार्य करते हैं उस कार्य को प्रभावशीलता जांचने के लिए, उस कार्य की प्रभावशीलता जाने के लिए जब हम अनुक्रिया प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं? रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य उचित है या नहीं है, तो मैं आपके विचार जानता हूं, क्या मैंने सही किया या गलत किया, आपको समझ में आया या नहीं आया, उसे कहते हैं फीडबैक, पृष्ठ पोषण। तो जब आप आकलन करते हैं उससे दोनों को फीडबैक मिलती है, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी, आकलन करने में तो फीडबैक में हेल्प मिलती है। तो जब फीडबैक मिलेगी, अच्छी मिली तो मैं और बढ़ाऊंगा, गलत मिली तो जहां मेरी कमी है उसको मैं दूर करूंगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट वही पॉइंट आएगा, बालकों की अधिगम कठिनाइयों या समस्याओं, कुछ भी लग सकते हो, की पहचान। बड़ा अच्छा पॉइंट है, टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स, बालकों की अधिगम समस्याओं को जांचना। नेक्स्ट आ जाएगा
प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोग्रेस, प्रगति प्रोग्रेस, प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोग्रेस। और रोजगार देने में सहायता, जैसे अभी जॉब की अपने किसी के अंदर स्किल्स है वो इससे पता चलेगी। और क्या होता है मूल्यांकन से बताइए फटाफट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता, टीचिंग लर्निंग को यदि इफेक्टिव बनाना है तो आकलन से संभव होता है। प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। और क्या फायदा है बताइए आकलन करने से। उपचारी शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, वो भी दी जा सकती है। उपचारी शिक्षण वो भी इसमें, हाँ जी, उपचारात्मक, उपचारी शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, जो वर्ड आप बोल सकते हो, है ना। बच्चे की कमियां पता चलेंगी, किस फील्ड में कमियां हैं, उस फील्ड को दूर करने के लिए बार बार उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसकी कमियां दूर हो जाएंगी, तो वो भी इसके बेस पे किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है। आकलन से और क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी सोचिए, क्योंकि अभी याद आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और क्या है हो सकता है, कमियां होगी, सब कुछ हो गया, पृष्ठ पोषण हो गया, बालकों की अधिगम समस्याओं का हल हो गया है, बच्चों की प्रकृति का रिकॉर्ड करना, बालकों के व्यवहार की परिवर्तन की दिशा, बालकों के व्यवहार की परिवर्तन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ चेंजेबल बिहेवियर, बालकों के व्यवहार की या व्यवहार परिवर्तन की, बालकों के व्यवहार परिवर्तन की दिशा का पता लगाना, है ना। कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, कितना सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका पता चलता है अगर उनसे, है ना। वो पता चलेगा कि चेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं बिहेवियर में, पॉजिटिव जा रहा है, ड्रग। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में बड़े अच्छे होते हैं, है ना, आप पेपर लेते हो उनके, अच्छे फाइनल पेपर भी अच्छे होते हैं, क्लास में अच्छे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो टेंथ क्लास तक जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। तो वो क्यों हो रही है, वो असेसमेंट से पता चल जाता है हमें कि कौन कौन सी क्रियाएँ उसने की हैं, पहले क्या करता था, अब क्या नहीं क्या कर रहा है, तो असेसमेंट से पता चल सकता है। और मार्गदर्शन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन एवं परामर्श, वो भी असेसमेंट के बेस पे आप दे सकते हो। वीक वाले को बताओगे भी ये तेरी कमियां हैं, इनको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अच्छे वाले को कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, आप आगे और अच्छा कर सकते हैं। अभिभावकों को भी मार्गदर्शन दे सकते हो, टीचरों को भी, स्टूडेंट्स को भी, असेसमेंट के माध्यम से। और क्या है जी, और सोचिए जरा, सोचिए, दो तीन पॉइंट और लिखने हैं आपने इसमें। ओके, तो ये फर्स्ट हो जाएगा पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करूँगा। अब चार चार नंबर के चार टाइप हैं आपके पास की इवैल्यूएशन के, वो चारों एक्सप्लेन करने हैं, फॉर्मेटिव, सुमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, ये NRT नॉन रिफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, और लास्ट है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। फर्स्ट यूनिट यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वो हमने अब करने हैं चारों डिस्कस। पहला लिखिए निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, हेडिंग देना है फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। अब इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। वह मूल्यांकन प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाती है,
पढ़ने पढ़ाने के दौरान की जाती है, जिसका उद्देश्य बालकों के वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन करना है या बालकों के वर्तमान व्यवहार को जांचकर अंतिम व्यवहार के लिए तैयार करना है। उस प्रकार का मूल्यांकन आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निर्माण करना, फॉरवर्ड करना, ऐसा मूल्यांकन जो बालकों को आगे प्रमोट करने के लिए और फाइनल डिसीजन तक लेके जाने के लिए जाते उसे कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो निरंतर चलता है या प्रक्रिया के दौरान होता है। कब लिख दोगे ना इसको क्या होता है? उसके बाद है सुमेटिव, नाम से स्पष्ट है, ऐसा मूल्यांकन जो वर्ष के अंत में किया जाता है, पूरे वर्ष का जो कार्य किया है उसको वर्ष के अंत में हम जांचते हैं, इस प्रकार के मूल्यांकन को सुमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें आपके व्यवहार की सभी शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्रियाओं का जांच की जाती है वर्ष के अंत में, ये भी हो जाएगा। अब लाइन लगानी है, एक तरफ लिखना है निर्माणात्मक, दूसरी तरफ लिखना है योगात्मक। ये है निर्माणात्मक और ये है योगात्मक। पहला अंतर लिखो प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के अंत में, सही है ना, प्रक्रिया के अंत में। दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है इसमें अंतर? यह निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक है, निदानात्मक। यह निर्णयात्मक, निर्णयात्मक जजमेंट, ये मैं पहले बता चुका हूं इस पॉइंट को। एक में आप डायग्नोस करते हो और एक में जजमेंट देते हो, ठीक है ना। इसमें जो योगात्मक में तो फाइनल मैंने बता दिया, लास्ट में जो इवैल्यूएशन करते हो उसमें तो आपने यस या नो, पास या फेल, ये निर्णय, और इसमें आप कमी डायग्नोस करते हो, क्षमताओं को पहचानते हो। दूसरा, ये निरंतर है, ये अनिरंतर है, ये निरंतर है, होता है ना, ये अनिरंतर, अनिरंतर का मतलब हर रोज तो नहीं करते, वन टाइम में ही करते हैं इसको, वो कंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू है। ये विश्लेषण है, इसमें विश्लेषण होता है प्रत्येक गतिविधि का, ये विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक क्या होता है विश्लेषण? ये संश्लेषण होता है, सिंथेसिस, क्या मतलब है विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है? सुना है विश्लेषण संश्लेषण, अभी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे उसमें आएगा ये। विश्लेषण का मतलब है किसी भी चीज को भागों में तोड़कर उसके हर एक पहलू को बारीकी से जांचकर उसके तर्क वितर्क विचार करने के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, उसे कहते हैं विश्लेषण। इसमें आप बालकों के हर एक प्रकार के व्यवहार को बारीकी से जांचते हैं, आज क्या किया, कल क्या किया, भाषा कैसी है, परीक्षा में कैसे करता है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। इसमें सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस का मतलब किसी चीज को समर्प करना, वन टाइम पे एक चीज का निर्णय लेना, जैसे प्रेसी नहीं होती थी, प्रेसी लिखते थे, संक्षेपण लिखा जाता था, बहुत सारे पैरे में से इतना सा एक निष्कर्ष निकालना, वो यहाँ होता है। यहाँ पर तो पूरे साल में जो किया उसको छोटे से में करके, इसके 80 नंबर हैं, इसके 60 नंबर है, ये पास है ये फेल है, बस इसमें विश्लेषण है, इसमें संश्लेषण है। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ, फोटोसिंथेसिस जी, प्रकाश संश्लेषण, हाँ 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 हाँ। देखिए यहाँ जो संश्लेषण का हम लेके चल रहे हैं वो अलग है, ये अलग है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश का उपयोग करके जो फूल बनाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रकाश का उपयोग। अब प्रकाश के उपयोग में वहां क्या चीज है, प्रकाश आया, बहुत सारा प्रकाश है ना, उस प्रकाश को उस पौधे ने समर्प किया, उसमें से जितना उसको चाहिए ना उसको लेके फिर फूड बनाया, तो वही तो चीज हम कह रहे हैं संश्लेषण सिंथेसिस, वही तो चीज है। आप पूरे वर्ष भर बहुत बच्चे ने बहुत सारी क्रियाएं की,
वर्ष के अंत में आपने एक निचोड़ निकाल दिया, ये एक्सीलेंट है, ये गुड है, ये इसमें वो चीज़ है, प्रोडक्ट चीज़ है ना, वो चीज़ है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें तुरंत पृष्ठ पोषण, इमीडिएट फीडबैक, तुरंत पृष्ठ पोषण, तुरंत पृष्ठ पोषण होता है, इसमें बाद में पृष्ठ पोषण, बाद में पृष्ठ पोषण। अब आप देखिए, आपने जो परीक्षाएं दी है, अब मैं आपको चेक कर रहा हूं, यहां हमारी क्लास चल रही है ना, मैं चेक कर रहा हूं, आपसे प्रश्न भी पूछ रहा हूं, आप मेरे से पूछ रहे हो प्रश्न, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सारी चीजें हम साथ के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये असेसमेंट हो रही है। क्या हो रही है? असेसमेंट हो रहा है। आप पेपर दे के आए यूनिवर्सिटी में, 3 महीने बाद पता चलेगा आप अच्छे हैं बुरा, किस ग्रेड में लिया, पास हुए नहीं हुए। तो दैट इज दी सुमेटिव। सुमेटिव क्या है? फाइनल पेपर दे दिया, लेकिन यहां आपको इमीडिएट फीडबैक मिलती है, तुरंत अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या है, सही है, वो चीजें आपकी। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्यांकन, बड़े अच्छे पॉइंट है, इतने मिलेंगे नहीं कहीं। अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्यांकन, अन्य द्वारा मूल्यांकन, अन्य द्वारा मूल्यांकन, ये बहुत बड़ी बात है, ये भी हमारे ऊपर लागू होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं। अब आपने पेपर दिए, वो पेपर अब ये नहीं पता कौन चेक कर रहा है, उसको पता ही नहीं, थर्ड पर्सन चेक कर रहा है, इवैल्यूएशन किसने करनी चाहिए, जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जो बातचीत कर रहा है, मुझे पता चल रहा है आपके दिमाग में है या नहीं, आप अच्छे हैं बुरे हैं किस ग्रेड तक कर रहे हैं, वो पेपर ही नहीं पता कौन चेक करेगा। तो जो असेसमेंट है वो सेल्फ टीचर के द्वारा ही चेक की जाती है ना। लेकिन जो आपका सुमेटिव है, कई बार टीचर क्या होता है, मैथ के टीचर ने किसी और कोई पेपर दे देते हैं, मैथ का टीचर छुट्टी पे चला गया, लो मैडम जी आप ले जाओ, एसएस वाली मैडम को दे दिए, आप चेक करके ले आना, है ना। तो जो कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में जो पढ़ाने वाला है वो पेपर नहीं चेक कर रहा, कोई और इवैल्यूएशन कर रहा है, तो सुमेटिव तो कोई और भी कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, लेकिन इसमें टीचर ही क्योंकि क्लासरूम में असेसमेंट करता है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, इसमें आप सुधार का मौका देते हैं, क्या देते हैं, सुधार का मौका, चांस टू इंप्रूव, सुधार का मौका नहीं, सुधार का मौका नहीं। यह आपका एफ ए है और यह आपका एस ए है, ठीक है ना। यहां यदि कमी आई तो उसको दूर किया जाएगा, यहां तो हो लिया काम, इसमें तो कुछ चांस ही नहीं है, पास फेल, बस दो तरफ ही बात होगी। ये है उद्देश्यों की दिशा, जो आपने ये उद्देश्य है ना, कौन से उद्देश्य है, उद्देश्यों की दिशा, उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति, दिशा और प्राप्ति में क्या अंतर है, अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट आएगा यहां पे, उद्देश्यों की दिशा और उद्देश्यों की प्राप्ति क्या अंतर है, उद्देश्यों की दिशा और जो उद्देश्य मुझे, जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना ये हो गया, तो उसके दिशा में हम जा रहे हैं, पता चलेगा कि हाँ कमी है तो चलो सुधार उसको आगे उस तरफ जाना, और ये हो गया कि हम वहां पे पहुंच गए, फाइनल हमारे जो जजमेंट है, जो रिजल्ट है, वो हो गया उद्देश्यों की प्राप्ति। हाँ, आप किसी स्टेशन पे गए, आप अपने ससुराल गए, आप अपने घर में गए, घर पहुंच गए, फिर रास्ते में पूछा जाता है कोई कमी तो नहीं आई है, आप कहते हैं वहाँ बाइक खराब हो गई थी, रास्ते में चीज़ें होगी, वो तो जो रास्ते वाला काम था वो तो वो है, और अल्टीमेटली आप पहुंच गए, किस तरह से पहुंचे वो ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाए थे, कौन से ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, जो आपके उद्देश्य थे पढ़ाने से पहले, वो उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए, यहाँ से पता चल जाएगा भाई, हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी वो सही है या नहीं है, वो अचीव हुए या नहीं हुए। लेकिन यहां तो डायरेक्शन पता चलती है कि क्या हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मेरे जो उद्देश्य उनको मैं अचीव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो पता चलता है। नेक्स्ट, इसमें आप उपचारी शिक्षण दे सकते हो,
उपचारी शिक्षण और इसमें नहीं दे सकते, ये तो अपने आप लिख लो, नहीं हो सकता, इसमें मौका ही नहीं है सुधार का कोई। उपचारी शिक्षण यहाँ रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है। ये अध्यापक के रिकॉर्ड है, किसके? अध्यापक के रिकॉर्ड, मतलब ये टीचर के लिए रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, ये सभी के लिए रिकॉर्ड है, सभी के लिए रिकॉर्ड या दस्तावेज, हिंदी में दस्तावेज शब्द भी यूज कर सकते हैं। ये अध्यापक के लिए रिकॉर्ड है क्योंकि टीचर ही काम करा रहा है, टीचर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, क्योंकि टीचर से ही माना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपसे, प्रिंसिपल पूछ ले भी उस बच्चे के बारे में विवरण दो, वो कैसा है बच्चा, तो टीचर कहता है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो नहीं इंटेलिजेंट है, टीचर उसका रिकॉर्ड देके आता है, सर पहले पिछले महीने टेस्ट लिया तो उसके 8 नंबर आए, अब की बार 7 आए, 5 आए, ये पढ़ता नहीं है, वो चीज़ें सारी कौन बताएगा? टीचर। लेकिन जब आपका पेपर फाइनल दे दिया, उसका रिकॉर्ड कोई भी शो कर देगा, प्रिंसिपल कह देगा माता पिता या अभिभावक आए प्रिंसिपल से पूछने कि हाँ जी सर बताओ, उसको प्रिंसिपल भी बता सकता है, कोई दूसरा टीचर भी, कोई भी बता सकता है, फाइनल रिजल्ट को आपके DMC आ गई उसको कोई भी दे सकता है, कोई भी बता देगा इसके ए ग्रेड आई, बी आई, क्या आई। लेकिन यहाँ तो जो रिकॉर्ड है वो टीचर ही देगा। समझ में आ गया? फॉर्मेटिव और सुमेटिव का अच्छा पता चल गया ना। हाँ, हिंदी का वर्ण संकलनात्मक है, आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होने हैं। समझ में आ गया ना? निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, सारे पॉइंट इसी तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट, NRT और CRT, इंग्लिश में कहेंगे नॉन रिफ्रेंस्ड टेस्ट, नॉन रिफ्रेंस्ड टेस्ट, हिंदी में कहेंगे गैर, लिख लो इसको, गैर मानक संदर्भित परीक्षण, NRT और CRT, गैर मानक संदर्भित परीक्षण उसके लिए, नॉन रिफ्रेंस्ड, ED भी लगाना है रिफ्रेंस के साथ, ED, नॉन रिफ्रेंस्ड टेस्ट, गैर मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। और ये है क्राइटेरियन रिफ्रेंस्ड टेस्ट, सी से बना क्राइटेरियन, मानक संदर्भित परीक्षण, ये 4 नंबर में आ सकता है पेपर में, मानक संदर्भित परीक्षण। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, लिखना पड़ेगा पेपर में तभी आगे बढ़ोगे आप। जब हम कोई भी टेस्ट लेते हैं, कोई भी इवैल्यूएशन लेते हैं, उसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, एक सामान्य परीक्षाएं और एक विशिष्ट परीक्षाएं। सामान्य परीक्षाएं जो सामान्य बुद्धि से रिलेटेड है, टीचर बच्चों को विषय वस्तु पढ़ाता है, उससे रिलेटेड जो परीक्षाएं वो सामान्य परीक्षाएं हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करते, हमने सिर्फ सामान्य योग्यता चेक करनी है। या टीचर एक दूसरे बच्चे का कंपैरिजन करता है कि इस बच्चे का 80 नंबर आए, इसके 40 आए, है ना, मतलब जब बच्चों की एक दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करता है वो परीक्षाएं होती है। एक परीक्षा होती है स्टैंडर्डाइज परीक्षा, स्तरीकृत परीक्षा, आपका CTET है, NET है, जिसमें हमारा मोटिव किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करना, इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट ये बताना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव क्या है, हमने तो ये चीज़ चेक करनी है, वो चीज़ हमारे पास आनी चाहिए। जैसे फिर से वही बात है कि जैसे नेट का पेपर है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हमने बंदे के अंदर ये चीज़ें चेक करनी है कि क्या उसको अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी है या नहीं है। यदि मास्टरी होगी तो उसकी जॉब लग जाएगी, वो पेपर पास होगा, यदि उसके पास मास्टरी नहीं है तो उसका हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की परीक्षाएं क्या है, एक स्टैंडर्डाइज परीक्षाएं होती है जिसमें क्राइटेरिया होता है। अब कई बार ये जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है, कई बार मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट टेस्ट है, उसमें हमने किसी को कुछ चेक करना है, कॉन्शियस बिहेवियर को, अनकॉन्शियस बिहेवियर को, स्टडी को, तो उन उद्देश्यों के लिए मैं टेस्ट तैयार करूंगा, तो उसके प्रकार के। एक होता है सामान्य परीक्षा, सामान्य परीक्षा क्या है, जो सामान्य आपकी योग्यता से है, ये परीक्षाएं एक अध्यापक निर्मित करता है, और कैसे करता है, अपनी योग्यता के बेस पर, अपनी क्षमता के बेस पे। अब मैंने आपको 10 लेसन पढ़ाए और आपको बोल दिया भी 10 लेसन में से आपकी परीक्षा होगी, आपने 10 लेसन याद कर लिए,
मैंने 10 लेसन में से परीक्षा तैयार कर ली, उस 10 लेसन में से आपने 80-90 नंबर ले लिए, बात खत्म, बढ़िया हो गया। लेकिन आपको मैंने 10 लेसन जो दिए हुए हैं, उन 10 लेसन में से मैंने तो जो है, मैंने जो चीज़ चेक करनी है, मैंने तो 10 पढ़ाए, दूसरा टीचर आया, उसने कहा कि इन 10 प्रश्नों में से, 10 लेसनों में से मैं ऐसे प्रश्न देखूंगा जो टॉप के हों, मैंने ऐसे प्रश्न उसमें सेलेक्ट किए जिसमें आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने उसमें डाल दिए। मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि 5-10 क्वेश्चन ऐसे डालूंगा जो किसी बच्चे को न आए, या जिस बच्चे को आएगी वो इंटेलिजेंट होगा। तो दोनों में अंतर हो गया। पहला जो परीक्षा था वो जनरल परीक्षा, जहाँ तक आपने किया, जहाँ तक एक टीचर ने पढ़ाया, जहाँ तक विद्यार्थियों की आपसी बात थी, वहाँ तक हो गया, है ना, टीचर ने अपनी सुविधा अनुसार। अब देखिए प्राइवेट स्कूल क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में बच्चे के 90-90, 85-85, 90-90% नंबर आ जाते हैं। वो आने का चक्कर क्या है, टीचर बच्चों को पहले बता देती है या उनके साथ पक्षपात कर लेती है, बायजनेस कर लेती है, सामान्य परीक्षाएं भी ये प्रश्न तैयार कर लो। वही परीक्षाएं जब वो बच्चे सरकारी स्कूल में दे देते हैं, वहाँ 35-40%, 50% पे आ जाते हैं। क्यों, क्यों वहाँ पे एक क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी ये इन बच्चों से मैंने ज़्यादा फीस लेनी है, हमने तो नॉर्मल फीस लेनी है। एक क्राइटेरिया, जिस बच्चे का इस लेवल का पेपर होगा उसको हम पास करेंगे। समझ में आ रहा थोड़ा सा क्या करो, ये सामान्य परीक्षाएं हैं, टीचर मेड्स हैं, कोई स्टैंडर्ड इनका नहीं होता, न्यूमेरिकल होती है, ठीक है ना, सॉरी ये न्यूमेरिकल नहीं होती, ये इसमें पक्षपात पाया जा सकता है। व्यक्तिगत परीक्षाएं हैं, कौन सी है, व्यक्तिगत परीक्षाएं, मेरे को लग रहा है कि मैंने ये प्रश्न डाल लूँ तो मैं अपने अनुसार डालूंगा। स्कूल में बच्चों का टेस्ट लेना है तो मुझे लगता है कि मैं 10 लेसन पढ़ रहा है 10 में से लगाऊंगा, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज है। यहाँ ऐसा नहीं कि मेरी नहीं चलेगी, टीचर की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, स्किल की चलेगी, जो चीज़ चेक करनी है सिर्फ केवल वही डाली जाएगी। समझ में आया, समझ में आ रहा क्या है, ऐसे परीक्षण जो सामान्य बुद्धि से संबंधित हैं, जिनमें किसी विशिष्ट योग्यता की जाँच नहीं की जा सकती, ठीक है, और जिसमें व्यक्तिगत परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें अध्यापक अपने अनुभव अपनी योग्यता के अनुसार जो है परीक्षाएं ले सकता है, उसको क्या कहते हैं, गैर मानक संदर्भित परीक्षण, जो गैर स्तरीकृत देते हैं, किसी में कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता। ऐसे परीक्षण जो किसी निश्चित मानदंडों के अनुसार, कौशलों के अनुसार जो है निर्धारित किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, उनको कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षण, मानक स्टैंडर्ड एक बनाया जाता है। ये परीक्षाएँ जो है विशिष्ट योग्यता से संबंधित होती हैं, इनमें मास्टरी आपको चाहिए होती है, और यहाँ पर केवल योग्यता को चेक किया जाता है, किसको, योग्यता को, स्किल को, कौशल को ही चेक किया जाता है, तीसरी बात रहती। चलिए अब इसमें अंतर की बात करते हैं। पहला डिफरेंस, पहला तो लिख लो, ये सामान्य परीक्षाएं हैं, सामान्य परीक्षाएं, और ये विशिष्ट परीक्षाएं, है ना, सामान्य परीक्षाएं और विशिष्ट परीक्षाएं, पहला अंतर। दूसरा, अध्यापक द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, अध्यापक द्वारा निर्मित, अभी मैंने उदाहरण दिया, विशेषज्ञ द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा निर्मित निर्माण। तीसरा, व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, वस्तुनिष्ठ, पहले भी मैं बता चुका हूं, हाँ जी, व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं ना परीक्षाएं, क्या होती है, यस, जहाँ पर आपकी निजी व्यक्तिगत राय किसी भी विचार में शामिल होती है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है। अभी मैंने बताया टीचर ने 5-10 लेसन पढ़ाए, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाए, और टीचर को लगता है कि ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से करा लिए, तो वो होता है व्यक्तिनिष्ठ, जहाँ किसी की पर्सनल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। आपके पास सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उसमें क्या कहा जाता है, इस पर प्रकाश डालिए, इसका वर्णन कीजिए, तो क्या करते हो कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आपके पर्सनल व्यू, अब कई बच्चे फेल इसलिए जो होते हैं रट्टा क्रैमिंग करते हैं, वो पॉइंट भूल जाते हैं, लेकिन परीक्षाओं में क्या करना होता है, आपके अपने विचार, आप उसको थॉट को समझ के क्या चीज़ें उसमें दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। तो जो सामान्य परीक्षाएं होती है वो कैसे होती है, व्यक्तिनिष्ठ होती है, उसमें व्यक्ति की पर्सनल थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं, और ये वस्तुनिष्ठ होती है। हाँ,
यहाँ पर आपका कोई अपना पर्सनल थिंकिंग ऑब्जेक्टिव में अगर येस और नो आप सही पे टिक्का लगाओगे तो ठीक है, वही जो बात पूछी गई है वही बताओगे तो ठीक है, तुखे की कोई बात ही नहीं है, टू दी पॉइंट बात करोगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता इसे कहते हैं। तो परीक्षा होगी नेक्स्ट। बालकों की व्यक्तिगत तुलना, बालकों की व्यक्तिगत तुलना, योग्यता क्षमता की जांच। उस टेस्ट में वो कक्षा कक्ष के टेस्ट है ना, उस प्रकार के टेस्टों का क्या हो जाता है कि एक दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं उस परीक्षाओं में, है ना। रिजल्ट आया, श्यामू ने इतने लिए, रामू ने इतने लिए, इतने फेल हो गए, इतने पास हो गए, है ना। हमारा मोटिव क्या है, एक दूसरे बच्चे का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ किसको चेक करते हैं, योग्यता को। जो मैंने प्रश्न दिए हैं, जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिल किया किसी पेपर के लिए, आप उसको पास कर रहे हैं तो ठीक है, हमारे आपके व्यक्तिगत से कोई मतलब नहीं है। आपका सी टेट का पास है, सी टेट का पेपर है, उसमें बोला कि जो बच्चा 60% लेके आएगा पास होगा, 60% से नीचे लेके आएगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब कितने बच्चे लेके आएंगे, कितने लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है लाख के लाख पास हो जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और लाख के लाख चाहे दो बच्चे ही पास हों तब भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर योग्यता की जाँच होती है, वहाँ पर पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नताओं की तुलना की जाती है, व्यक्ति की व्यक्ति से, बालक की बालक से। नेक्स्ट। ये पुरानी परीक्षाएं हैं, पुरानी परीक्षाएं, ये नवीन परीक्षाएं हैं, नवीन परीक्षण या परीक्षाएं। हाँ तो वही तो है ये, हाँ गैर भी वही है। मानक, मानक वाला जो याद रखना है वो सी है, क्राइटेरिया मानक, जहां आप स्टैंडर्ड कुछ रूल कुछ नियम, मैंने जो चीज चेक करनी है वो चीज डालूंगा, उस चीज को यदि आप फॉलो करोगे उस स्टैंडर्ड को, उस क्राइटेरिया, यदि वो क्राइटेरिया को अचीव करोगे तो वो पास हो जाएगा, उस क्राइटेरिया को अचीव नहीं करोगे तो मेरा कोई मतलब नहीं है। वो यही है, हाँ हाँ हाँ, तो वो यही तो चीज कह रहा हूं मैं। इसमें आपका सारी चीज का हो सकता है, देखिए जैसे आईएएस का इंटरव्यू होता है उसमें होता है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। देखो ना, ग्रुप डिस्कशन में वो चीजें जो हैं वो कुछ स्किल चेक करते हैं आपके अंदर, एक सिचुएशन देते हैं कि आप यदि आईएएस ऑफिसर बन गए, एसडीएम आप लग गए हैं किसी जिले के, और आपने कहीं पे कोई सभा करनी है और वहां पे दो ग्रुप आपके पास आए, दो संप्रदाय आए, दोनों कहते हैं हमने भी करनी है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे, दैट इज ए टेस्ट। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि हम आपकी बौद्धिक क्षमता चेक करते हैं, डिसीजन लेने की पावर चेक करनी है, ठीक है ना। तो वो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ये लिखित परीक्षा भी हो सकती है। इस प्रकार की परीक्षाओं में आपने केवल एक स्टैंडर्ड, एक मानक दिया गया, वो मानक अचीव करना होता है, मेरी कोई पर्सनल नहीं चलेगी, बाय जनरेशन नहीं चलेगी। आपने उन वर्डों को भूल जाओ, आपने सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं, मानक संदर्भित और गैर मानक संदर्भित, ठीक है ना। तो ये पुरानी परीक्षाएं हैं, ये तो बहुत पुराने साल से चले आ रही है हमारे बुजुर्गों से, उससे पहले भी जो कक्षा कक्ष की परीक्षाएं हैं, और ये नवीन है, न्यू इनोवेशन हो रही है ना, आप डिजिटल आ रही है, जैसे अभी आप कह रहे हो अब आपकी चल गई ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सॉफ्टवेयर डिजिटल जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही है वो ये चीज़ है सीआरटी। नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, सीआरटी में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चंस है ना, एनआरटी में वो आपके वैसे, हाँ हाँ, स्किल्स बेस्ड वो चीजें आ जाएंगी। ये है सुमेटिव, योगात्मक, और ये है निर्माणात्मक। वो सुमेटिव है,
निर्माणात्मक है।